मैंने यजीद इब्ने मुआविया को ख्वाब में देखा, तो मैंने उससे कहा कि क्या आप ही ने हजरत हुसैन को कत्ल किया, क्या तुमने हजरत हुसैन को कत्ल किया है? उसने जवाब दिया, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो हमने उनसे फिर पूछा कि अल्लाह ने तुझे बख्श दिया? उसने कहा हाँ अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। मौलवी साहब बैठे हुए ये कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद आया है। अब उन्हीं तो बात कायदे सुना दिया, मैं तो ऐसे ले ही नहीं सकता, इसलिए कि वो तहजीब वाला मामला नहीं है, मुझे आते ही नहीं। यजीद आया है और जब यजीद को देखा तो इन्होंने उससे पूछा कि इमाम हुसैन को तुमने कत्ल किया था? उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, तो कहा फिर आपका क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और जन्नत भेज दिया। वो जन्नत ही भेजना था, ख्वाब देख लिया। इसी ख्वाब में इनका जवाब है, इसलिए कि जब इन्होंने पूछा कि तुमने हुसैन को कत्ल किया तो उसने कहा नहीं, तो जब कत्ल ही नहीं किया तो माफी किस बात की मिली? माफी किस बात की मिली? ये सिर्फ यजीद को बचाने वाला मामला है। अब ये कि ख्वाब में यजीद नजर आ गया, ख्वाब में यजीद नजर आ गया, हमारे लखनऊ में और उर्दू अदब में एक मुहावरे का बहुत ज्यादा चलन है कि बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले को। असल में मकसद सिर्फ यह है कि यजीद पर लानत न की जाए, यजीद पर लानत न की जाए।